सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल अब अस्पताल ना होकर डिस्पेंसरी ज्यादा लगता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अस्पताल में इलाज करने वाले चिकित्सक ही उपलब्ध नहीं है। ज्यादातर चिकित्सक छुट्टी पर रहते हैं तो कुछ कोर्ट केस में तो जो बच जाते हैं वो रात की ड्यूटी पर तैनात होते हैं। ऐसे में सुबह दूर दूर से इलाज करवाने वाले मरीजों को कौन देखेगा, इस बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। रोगी सिरमौर, शिमला और जिला सोलन से क्षेत्रीय अस्पताल समझकर यहां इलाज करवाने तो आ जाते हैं, लेकिन यहां पर आकर डॉक्टर न मिलने पर उन्हें हताशा ही हाथ लगती है और उन्हें बिना इलाज किए ही घर वापस लौटना पड़ता है। यही वजह है कि लोगों का सरकारी अस्पताल में से विश्वास उठने लगा है और वह निजी अस्पतालों का रुख करने लगे हैं। यहाँ आए मायूस रोगी ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि वह सुबह से कतार में लगकर डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वह आएंगे या नहीं ये कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में ज्यादातर चिकित्सक छुट्टी पर हैं, कुछ अपने कैबिन में नहीं हैं, जिसकी वजह से वह इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्थिति केवल आज की नहीं है, बल्कि ये स्थिति अक्सर यहाँ देखने को मिलती है। इसलिए उनकी प्रदेश सरकार से गुजारिश है कि अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि दूर दूर से इलाज करवाने आए रोगियों को कोई असुविधा ना हो। हम बड़ी दूर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डॉक्टरों की कुर्सियाँ खाली मिलती हैं, और जो भी गांव का आदमी है वो बड़ी उम्मीद लगा के इस इतने बड़े सिटी हॉस्पिटल में यहाँ पे आता है, पर यहाँ पे आके हम लोग हैरान होते हैं जब यहाँ की कुर्सियाँ खाली होती हैं और एक गांव का जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाए। जो है यहाँ नैना टिक्कर काफ़ी दूर से आए हैं और सुबह से यहाँ जो है खड़े हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर कुछ मौजूद नहीं है, कुछ एब्सेंट है, कुछ खाली पड़े हैं। जाते हैं, मेरे साथ मम्मी आए हैं, तो फिर ज़्यादा समय तक ये भी खड़े नहीं रह सकते हैं, प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग यहाँ दूर दूर से आए हुए, कब तक वो इंतज़ार करेंगे, डॉक्टर्स नहीं होते हैं। लोग जो है उम्मीद से आते हैं कि इलाज करवाना है, लेकिन मुश्किल होता है जब डॉक्टर्स नहीं होते हैं तो क्या करेंगे वो। धर्मपुर से आया हूँ यहाँ पे सोलन अस्पताल में इलाज करवाने के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे अभी डॉक्टरों की कमी है, कह रहे हैं कि डॉक्टर छुट्टी पे गए हैं। अगर मेरी तरह अगर कोई और आ जाता है जिसको मान लो सीरियस पेशेंट है और यहाँ डॉक्टर भी नहीं है, तो उनका इलाज किस प्रकार से होगा बताइए। तो मैं इलाज कराने आया था अभी, तो डॉक्टर ही नहीं है, और तो कि यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि ऐसी सी बात है, अब यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, दिवाली के बाद आएंगे। तो मतलब यही चाहते हैं कि जनता हरास नहीं होनी चाहिए, इतनी दूर से संगड़ाह से लोग आ रहे हैं, सिरमौर से लोग आ रहे हैं, और जो हिमाचल प्रदेश का कोई भी कोना है, जैसे मान लो ये सिर्फ इसी क्षेत्र का अस्पताल के हाल नहीं, ये सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हाल है। तो मेरी यही अपील है सरकार से कि इस जो इसकी जो इनकी जो दयनीय हालत है उनको सुधारा जाए।